तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स अब हम करने वाले हैं और ऑप्टिक्स का ये पहला क्वेश्चन है। आई होप कि आप अच्छे से होंगे और बेहतर तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन है जो 2023 में आया था ऑप्टिक्स का, ब्रिस्टर्स एंगल। आई होप कि आप सबको पता होगा कि ब्रिस्टर्स एंगल क्या होता है। तो ब्रिस्टर्स एंगल ऑफ द लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा बी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में लाइट रे कहाँ जा रही है, ये नॉर्मल है। तो ज़्यादा मतलब ये लाइट रे आ रही है कागज़ के प्लेन में, ये वाली, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या भाई, वो कम्प्लीटली पोलराइज है, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है या तो पार्शियली पोलराइज होगी या कम्प्लीटली पोलराइज होगी या नॉन पोलराइज होगी, बात आ रहा समझ में। तो जब ये कम्प्लीटली पोलराइज होगी उस वक्त ये जो एंगल बनता है, उस वक्त ये जो रे होती है रिफ्रैक्टेड रे, वो पार्शियली पोलराइज होती है। ये क्या होती है, पार्शियली पोलराइज होती है, ठीक है। और ये क्या है, कम्प्लीटली पोलराइज्ड है। तो इस स्पेशल सिचुएशन पे ये जो एंगल बनता है थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको ब्रिस्टर्स एंगल बोलते हैं। यहाँ पर मैं आई वन से डिनोट कर देता हूँ, तो ये भी एंगल कितना होगा, आई वन होगा, और ये एंगल आर वन होगा। उस वक्त एक स्पेशल केस होता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पर होते हैं, ये सब आप थियोरी में पढ़े होंगे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई वन, और ये किसके बराबर है टोटल, ये है आर वन के, ठीक ना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस ओ पॉइंट पे अगर मैं ब्रिस्टर्स एंगल निकालूँ, थीटा की वैल्यू निकालूँ या आई वन की वैल्यू निकालूँ, तो मैं सिंपली स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ। स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट क्या होता भाई, कॉन्स्टेंट होता है। तो जिस मीडियम का म्यू उस मीडियम का साइन, तो ये म्यू ऑफ कहाँ से कहाँ जा रही थी, पहले केस में एयर से ग्लास में जा रही, ये एयर है और ये ग्लास है, तो ये म्यू जी ले लेता हूँ और ये म्यू ए ले लेता हूँ। तो म्यू ए मल्टीप्लाइड बाई साइन आई वन बराबर होगा म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई साइन आर वन, बात आ रहा समझ में। तो यहाँ से साइन आई वन और आर वन की वैल्यू मैं यहाँ से साइन 90 माइनस आई वन लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, इधर म्यू जी अपान म्यू ए हो जाएगा, समझ में आया। तो इधर आ जाएगा टेन आई वन, यहाँ से टेन आई वन इज इक्वल टू म्यू जी अपान म्यू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये जो केस फर्स्ट था, जो सीनेरियो फर्स्ट था, उसको मैंने ब्रिस्टर्स एंगल निकाल लिया जब लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही थी। अब दोबारा एंगल निकालो, लाइट रे गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो अगर लाइट रे दोबारा ग्लास से एयर में जाती है तो मतलब हम लोग निकाल लेते हैं ब्रिस्टर्स एंगल कितना आता है, फिर कंपेयर कर लेंगे। तो लाइट रे दोबारा, ये ग्लास है और ये अपना एयर है, ठीक है। तो ग्लास से अगर एयर में जा रही है तो चलो मान लेते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे है, वो कम्प्लीटली पोलराइज है, और रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज होती है। तो ये एंगल ब्रिस्टर्स एंगल है, इसको मैं आई टू मिल लेता हूँ। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से ये भी आई टू होगा और ये होगा आर टू, एंड आर टू मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस आई टू, एंड दिस एंगल इज एट 90 डिग्री बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली पोलराइज, दिस इज पार्शियली पोलराइज। यहाँ से अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ ओ पॉइंट पे, तो म्यू ऑफ, दिस इज द म्यू ऑफ ग्लास, दिस इज म्यू ऑफ एयर, अगेन अप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा साइन आई टू मल्टीप्लाइड बाई म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा म्यू ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाई साइन आर टू, और साइन आर टू को मैं लिख सकता हूँ इस हिसाब से टेन, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालो तो टेन आई टू की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू ऑफ एयर, म्यू ऑफ यहाँ से एयर आ जाएगा म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास, ये वाली चीज़, दिस इज इक्वेशन नंबर टू।
तो यहाँ से मुझे आई टू चाहिए था, तो यहाँ से मैं टेन आई टू की जो वैल्यू है वो लिख सकता हूँ वन अपॉन म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर, और म्यू ऑफ ग्लास और म्यू ऑफ एयर को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन यहाँ से टेन आई वन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से टेन आई वन लिख सकता हूँ, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टेन आई टू इज इक्वल टू यहाँ से कॉट आई वन लिख सकता हूँ, कॉट आई वन को मैं लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस आई वन, इसका मतलब ये हुआ कि आई टू की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस आई वन, या जो है आई टू की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू माइनस आई वन। तो दिस इज़ द रिलेशन ऑफ द ब्रिस्टर्स एंगल बिटवीन दिस टू। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर ये थीटा भी है तो ये मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ब्रिस्टर्स एंगल जब लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है तो ग्लास एयर और ब्रिस्टर्स एंगल इतना थोड़ी आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड ऑप्शन सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, द सेकेंड वन इज़ द करेक्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो।